उस दिन हॉस्पिटल में बाबू साहब के कमरे में गए थे ना आप, तब से ही कुछ फर्क आ गया है आपके बात करने में। कितने में बेचा अपने आपको आपने? क्या सौदा किया बाबू साहब से? आपके अलावा अगर किसी ने यह सवाल किया होता तो इस समय जमीन के अंदर होगा जिंदा। धमकी नहीं नाना, धमकी नहीं। हमने आपसे सवाल किया है, उसका जवाब दीजिए। अगर जवाब नहीं है तो कहिए कि जवाब नहीं है, धमकी नहीं। या हमारे साथ साथ रहते हैं, वहां जाके बाबू साहब से हाथ मिला लिया आपने, दगाबाजी की हमारे साथ, धोखेबाजी, खंजर बहुत दिया हमारी पीठ में आपने। धोखा इंसान अपने आप को देता है सुजीत बाबू, और इल्जाम दूसरे पे थोपता है। इस वक्त आप यही कर रहे हैं। आप भी तो अपने गिरेबान में झांक के देखिए ना नाना, कि आप क्या कर रहे हैं। सुजीत बाबू, नाना मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आपस में मत झगड़िए। एक तो आप बीच में मत बोलिए जगमोहन बाबू, आपको कहीं बीच में बोलने के लिए थर्ड पार्टी है तो चुप रहिए आप, हमारा आपस का मामला हम सुलझा लेंगे। नाना आपको अभी इस बात का फैसला करना होगा कि आप हमारे साथ हैं या बाबू साहब के साथ। अगर हमारे साथ रह के आप उनका तरफदारी करेंगे तो ये भी बर्दाश्त तो नहीं होगा ना नाना हमसे। इसका मतलब आप बाबू साहब के खिलाफ कुछ भी बकवास करें और हम हाँ में हाँ मिलाते रहें। नाना झगड़ा बिटाने की बजाय झगड़ा बढ़ा रहे हैं, उनके जख्मों पे मरहम लगाइए, नमक मत छिड़किए। नमक आप छिड़क रहे हैं जगमोहन बाबू। वाह नाना वाह, अब सुजीत बाबू के बाद निशाना हमें बना लिया, बंदूक हमारी तरफ मोड़ ली। बंदूक आप चला रहे हैं, गोली भी आप ही दाग रहे हैं, मगर बड़ी चालाकी से। गोली निशाने पे तो लगती जरूर है मगर आवाज नहीं होती है ना। बस जाइए, आप बहुत गलत फैसले कर रहे हैं सुजीत बाबू, क्योंकि आप बहुत गलत लोगों के चंगुल में फंस चुके हैं। और जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगी ना सुजीत बाबू, उस दिन आपके आंसू पोंछने वाला आपके पास नाना नहीं होगा। सिंथिया दीदी आइए ना, डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं बैठिए। नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा चलो थोड़ी देर तुमसे बात कर लेती हूँ। कुछ लिख रही थी? दरअसल एक नई आदत डाल दी है हमने, सोने से पहले हम राम नाम लिखते हैं, जब तक नींद नहीं आ जाती इससे मन को बहुत सुकून मिलता है। वो काम जरूर करना चाहिए जिससे मन को सुकून मिले। बंटी सो गया? अभी थोड़ी देर पहले ही सोया है, इतना बड़ा घर जो मिल गया उसे खेलने के लिए, सोना ही नहीं चाहता था। अरे हाँ वो मैसेज, वो आई लव यू पापा वाला, वो एक्चुअली ऋषभ के फोन से बंटी ने पापा को भेज दिया था। हाउ स्वीट, बच्चे कितने सच्चे और साफ दिल के होते हैं, और बंटी तो बहुत ही प्यारा है, सबको एक करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। हाँ लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि बड़े छोटे बच्चों की तरह नहीं होते। सम्मान से बात हुई, बाबूजी के इस इंसिडेंट के बाद? नहीं, अब जब हम उनकी जिंदगी से दूर चले आए हैं, अपनी परेशानियों में शामिल करके हम उन्हें और डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो क्या मतलब
कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है? हमने आपको नहीं बताया है, जब बाबूजी हॉस्पिटल में थे तब सम्मान का मैसेज आया था, खुद विशेष भेजी थी। अगर वो नहीं भी भेजते तो भी हमें उनसे कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन अच्छा लगा ये देखकर कि उन्हें बाबूजी के लिए चिंता है। हमने सम्मान को फोन भी किया था ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि अगर वो बाबूजी से एक बार कहते कि उनके एक्सीडेंट में नानो जीजू का हाथ होने की बात सिर्फ एक गलत फहमी है तो शायद हमारा परिवार फिर से एक हो पाए। लेकिन अब तक उनका फोन नहीं आया। अब बस यही दुआ है कि वो हम पे ये आखिरी एहसान कर दे, हमें उनसे और कुछ नहीं चाहिए। सम्मान, ये इल्जाम झूठा भी तो हो सकता है, तू उस घर का दामाद है, तुम पर वो लोग क्यों हमला करवाएंगे? तुझे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? सम्मान, आप प्लीज हमारे बाबूजी से बात कीजिए, उनसे कहिए कि आपसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, एक गलत फहमी की वजह से आपने जीजू और नाना को अपने एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया था। आपकी कही हुई बात हमारे टूटे परिवार को फिर से जोड़ सकती है। आपसे दो मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ शरद, बैठो ना। ऑफिस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट मैटर है। बोलो क्या बात है? क्या आप ये बात जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले प्रभाकर अंकल पापा के पार्टनर थे? प्रभाकर अंकल? हाँ, कुछ फाइल्स और पेपर्स लेकर वो अक्सर हमारे घर आया करते थे, कुछ मीटिंग सक्सेना अंकल के यहाँ भी होती थी, मैं भी पापा के साथ गया था एक दो बार। इनफैक्ट सक्सेना अंकल ने ही प्रभाकर अंकल को पापा से मिलवाया था और उनके कारण ही पार्टनरशिप की ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। अब प्रभाकर अंकल के गुजर जाने तक तो वो दोनों पार्टनर थे। और उनकी उनकी डेथ कैसे हुई थी? डेथ? दैट आई डोंट नो मच अबाउट इट। बस अचानक एक दिन माँ से सुना नेहा के पापा की डेथ हो गई है। अच्छा, आपको याद है कि ये पार्टनरशिप डिसॉल्व कैसे हुई थी? उसके बारे में तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन जब सक्सेना अंकल ने हमारा ऑफिस ले लिया था तब उनके मुंह से एक बात जरूर सुनी थी मैंने, पापा ने कौशल्या आंटी से किसी पेपर्स पर साइन करवाए, बट आई हैव नो आइडिया कि वो पेपर्स क्या थे, कहाँ हैं। इस बारे में मैंने पापा से भी बात की लेकिन पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। भैया, सक्सेना चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है, कहीं उसके पास कोई ऐसी चीज या कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं जिसके जरिए वो पापा को मुश्किल में डाल दे। नेहा ने क्यों कही वो बात? क्या मतलब था उसका? कहीं दुनिया से जाते जाते थे प्रभाकर हमारा कोई राज तो पीछे नहीं छोड़ गया? क्या बात है धनराज, कोई टेंशन है? प्रभाकर, वो मोहिनी ब्लैकमेल कर रही है मुझे, शी इज प्रेग्नेंट और अब शादी करने की बात पर जोर डाल रही है। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हारी भाभी के सामने मुझे एक्सपोज करने की धमकी दे रही है। मैंने अब तक मोहिनी की सारी डिमांड्स पूरी की, तुम तो जानते हो कि कितने पैसे ऐठे उससे मुझसे, लेकिन अब उसे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो अपने बच्चे को मेरा नाम देना चाहती है जो नामुमकिन है। ये तो वाकई फिक्र की बात है धनराज, तुम अमाउंट डबल करके देखो ना, शायद मान जाए। ये सब कुछ कर लिया मैंने प्रभाकर, और मैंने कहा ना उसे अब पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं, और अगले महीने उसकी डिलीवरी है। ओह नो, धनराज
धनराज, धनराज अगर तुम कहो तो एक बार मोहिनी से मैं बात करके देखूं, शायद उसे समझा सकूं। ये सब करने के लिए बहुत देर हो चुकी है प्रभाकर। प्रभाकर अगर अगर तुम्हारी भाभी को ये सब पता चल गया तो मेरा घर टूट जाएगा। वो मेरी बच्ची को लेकर कहीं चली जाएगी। अरे उसे मेरी सूरत तक से नफरत हो जाएगी और मेरी रेपुटेशन यार। एक बार प्रभाकर एक बार मेरे नाम पर धब्बा लग गया ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो फिर क्या करें? देखो प्रभाकर, सिर्फ तुम ही मुझे इस प्रॉब्लम से बचा सकते हो। मैं? हाँ, यू हैव टू डू मी अ फेवर, अ वेरी बिग फेवर। प्रभाकर तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्रभाकर ने वादा किया था मुझसे कि ये राज हम दोनों के बीच ही रहेगा। कहीं मुझसे वादा खिलाफी तो नहीं कि प्रभाकर ने? तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो धनराज, जबकि मैं तुमसे कह चुका हूं कि सब कुछ ठीक तरह से हो गया है। मोहिनी अब इस दुनिया में नहीं रही तो डर किस बात का यार? लेकिन प्रभाकर, मोहिनी की मौत पर कोई सवाल नहीं उठेगा धनराज। सब उसे एक एक्सीडेंट समझेंगे, एक्सीडेंट। एंड यू डोंट वरी, तुम्हारे रास्ते का कांटा वो मोहिनी मर चुकी है और उसके साथ उसका बच्चा भी मर गया है। तुम आजाद हो धनराज, आजाद। अपनी बीवी और बेटी के साथ खुशी से रहो, बिना किसी डर और चिंता के। तुम्हारा ये राज मेरे साथ ही इस दुनिया से जाएगा। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। प्रभाकर, थैंक्स अ मिलियन। तुम नहीं जानते तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। ओके, लेकिन अब तुम्हें मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। प्रभाकर, एनीथिंग फॉर यू। तो बोलो, कब इंट्रोड्यूस करा रहे हो मुझे अमरनाथ से? यार कोशिश करके अमरनाथ के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस हो जाए तो। श्योर, आई डेफिनेटली स्पीक टू अमरनाथ। मेरा बहुत करीबी दोस्त है अमरनाथ। लेकिन प्रभाकर, इस सीक्रेट के बारे में उसे भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। धनराज, मैंने तुमसे कहा ना कि ये राज मेरे साथ ही इस दुनिया से जाएगा। ट्रस्ट मी यार। वादा तो किया था प्रभाकर ने, लेकिन हो सकता है ये बात उसने कौशल्या भाभी को बता दी हो और भाभी ने नेहा को। ओह गॉड, आई होप ऐसा कुछ ना हुआ हो। मेरे दुश्मनों को अगर मेरे गुजरे हुए कल की भनक भी लग गई तो कहीं का नहीं रहूंगा मैं। कितना खुश हो रहा था अमरनाथ की नाक के नीचे से वो टेंडर छीन कर। अब कहीं मोहिनी की परछाई मेरी खुशियों पर पानी न फेर देते। अमरनाथ की फैमिली से कौशल्या के बहुत घरेलू संबंध है। शायद उसी ने अपना मुंह खोल दिया हो। अमरनाथ को पता चल गया होगा तो सरेआम बेइज्जत कर देगा वो मुझे बदनाम करके अपने सारे बदले ले लेगा वो। ओह नो, वंशिका क्या सोचेगी मेरे बारे में? अपने बाप से नफरत हो जाएगी उसे। कितनी सुंदर लग रही हो तुम इस तरह से सोते हुए। यूं लगता है जैसे कि खूबसूरत सा सपना खुद नींद की बाहों में है। तुम्हें उस इडियट सम्मान के पास कैसे जाने दूं मैं वंशिका? योर माइंड, माना अब तक मुझे इस नजर से नहीं देखा तुमने, लेकिन इस सम्मान में जाने कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं
तुम्हारे नाम के साथ अगर किसी का नाम जुड़ेगा तो वो मैं हूं, गौतम माथुर, और तुम कहलाओगी वंशिका माथुर। साउंड्स गुड। गौतम, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्यों आए हो यहां? चाय लेकर आऊं बेटी। क्यों क्यों क्यों? मॉर्निंग टी पीने का रिवाज तो आपके यहाँ पे है। हाँ, लेकिन तुम्हें देखते ही मैं डर गई थी। मुझे लगा कोई चोर आ गया है। अरे, किसी चोर की हिम्मत की अकेला आपके कमरे में आ जाए? हाँ, उतने का तो सामान नहीं मिलेगा उसे कमरे में, जितने का नुकसान हो जाएगा उसका। हाँ, चाय लेकर आया था इम्प्रेस करने के लिए नहीं। सुबह सबके लिए चाय बना रहा था, ज्यादा बन गई, मुझे लगा आपसे पूछ लेता हूँ, शायद आपके काम आ जाए। मैं कसम, इसीलिए मैं सिर्फ चाय लेकर आया। ठंडी होने से पहले पी लेना। चाय डॉक्टर साहब, आपने हमको दूसरा जीवन दिया है। अब तो ये कहते भी झिझक होता है कि आप आए अच्छा लगा। फिर भी आपका घर है, जब मन करे तब आए, हम लोगों को और अच्छा लगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आपका बड़प्पन ही है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद इतनी इज्जत दे रहे हैं आप हमें। हमें तो आपसे कभी कोई शिकायत भी नहीं थी डॉक्टर साहब। अब आप अपनी तबीयत जल्दी से ठीक कर लीजिए, फिर काकुल को लेकर कुछ दिन हमारे पास आइए। हम बिल्कुल ठीक हैं बेटा, और हम जल्दी आएंगे और जरूर आएंगे। कुछ दिन और रुक जाते तो हमें अच्छा लगता। अब मुमकिन होता तो हम लोग जरूर रुक जाते, लेकिन तुम तो जानती हो वहां कितना कुछ समेटने को बाकी है। प्रोफेशनल लाइफ की दिक्कतें खत्म हुई हैं तो घर में मुश्किल खड़ी हो गई है। एक बार सब वहां सेटल हो जाए उसके बाद हम लोग आएंगे। एक मिनट डॉक्टर साहब। हाँ कहिए। प्रणाम बाबू साहब। खुश रहिए। अमरनाथ जी का फोन आया था मेरे पास, वो कॉपरेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। वर्बली हमारे बीच यही डिसाइड हुआ था कि लोन सैंक्शन होने के 6 महीने बाद उसकी पहली इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। उसी की याद दिलाकर कह रहे थे कि इतनी शॉर्ट नोटिस पर इतनी बड़ी रकम अरेंज कर पाना उनके लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा। आप अमरनाथ जी पे प्रेशर बनाए रखिए, जब तक डॉक्टर ऋषभ खुद इस मामले में नहीं पहुंचते। ठीक है बॉस साहब, रखता हूं, प्रणाम। हमारी ये कोशिश सिर्फ इसलिए है डॉक्टर साहब कि आप जैसे साफ दिल इंसान को उसकी इंसानियत, शराफत और नेकी का सही फल मिले, कोई ना इंसाफी ना हो आपके साथ। काश आपके गुणों का रत्ती भर हिस्सा भी सम्मान बाबू को मिल गया होता तो ये दशा ना होती हमारे काकुल की। नाश्ता लगा दूं? नहीं। क्यों? ये लेटर मुझे ऑफिस पहुंचाना है, जल्द से जल्द। ऐसा क्या जरूरी लेटर है कि तू नाश्ता भी नहीं करेगी? मैं अमरनाथ अंकल के केस से अपना नाम वापस ले रही हूँ। सच? सच कह रही है तू? नेहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा खुश मत होइए माँ, मैं अपना नाम इसलिए वापस नहीं ले रही क्योंकि आप ऐसा चाहती हैं, बल्कि मुझे अमरनाथ अंकल से लड़ना है इसलिए। और ये केस हाथ में होते हुए मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता। क्या? भाई साहब के खिलाफ लड़ेगी तू? अरे क्या चाहिए तुझे? 100 बार कह चुकी हूँ कि मुझे मेरा अधिकार चाहिए, वो सब वापस चाहिए जो आपके भरोसे का फायदा उठाकर छीना अमरनाथ चौधरी ने। नेहा, भाई साहब का नाम अपनी जुबान से लेते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने दोस्त की विधवा को धोखा देते हुए उन्हें शर्म नहीं आई? एक मासूम बच्ची से उसका बचपन छीनते हुए एक पल के लिए भी नहीं सोचा उन्होंने? अगर उन्होंने सोचा नहीं होता तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते। उन्होंने ही पाला है हमें,
उन्हीं की वजह से आज तुम अपने पैरों पे खड़ी हो। तो कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, हमारे ही पैसे हमें दान में दिए। एक छोटे और मक्कार इंसान को कब तक देवता मानती रहेंगी आप? मैंने जो उनकी करतूत दिखाई आपको, उससे भी तसल्ली नहीं हुई? ऐसा क्या जादू कर दिया उन्होंने माँ आप पे कि उनके हर पाप हर गलती को अनदेखा कर रही हैं आप? इतनी मुश्किल से मैंने वो फाइल हासिल की थी, मेरी बात का सबूत था जो मैंने आपको दिखाया भी था, जो आपने जला दी। क्यों, आप क्यों नहीं चाहती कि अमरनाथ से मैं अपना अधिकार मांगू? सक्सेना और अमरनाथ से किस बात का डर है आपको? किसी का डर नहीं है मुझे। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें क्यों आ रही। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें आ रही हैं माँ, हर बात पे शक हो रहा है मुझे। पापा की डेथ कैसे हुई थी माँ? क्या उनकी डेथ नॉर्मल डेथ थी या उसके पीछे भी कोई कहानी है? बताइए ना मामा, कुछ तो जरूर है जो आप नहीं चाहती कि मुझे पता चले। पापा की डेथ के पीछे किसका हाथ था? कहीं पापा सक्सेना की किसी चाल के शिकार तो नहीं हुए? या फिर पापा की डेथ के पीछे अमरनाथ का हाथ था? सच बताइए मामा, कहीं आपने तो उनका साथ नहीं दिया? मैंने कुछ ऐसी चीजें डिस्कवर की हैं जो वो आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड शरद। मुझे इस वक्त सिर्फ पापा की फिक्र है। और तुम्हारा कंसर्न भी यही होना चाहिए कि किस तरह इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। बाहर पापा मेरा वेट कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी बात नहीं सुन सकता मैं। आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं भैया? आप क्यों नहीं जानना चाहते कि पापा ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, हम लोगों को इतनी शानदार जिंदगी दी, उसके बावजूद भी हम इतनी मुश्किलों में क्यों हैं?